ट्रेन को यहाँ चंद लम्हों के लिए ही रुकना था। जो ही हम नीचे उतरे उसने विसल दी। अभी कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि विसल हुई और वो रेंगने लगी। फिर इसकी रफ्तार तेज हो गई। बहुत दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। काफी दूर के बाद कुछ रोशनियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। हमारा रुख इन्हीं रोशनियों की जानिब था। वो यहाँ इत्तेफाकिया तौर पर नहीं उतरे थे, बल्कि ये जगह उनकी जानी पहचानी थी, क्योंकि वो बड़े आराम से आगे बढ़ रहे थे, जबकि मुझे जगह जगह ठोकरें लग रही थी। गर्ज ये कि थोड़ी देर के बाद हम आबादी के करीब पहुंच गए। कच्चे पक्के मकान तारीकी में लिपटे गहरी नींद सो रहे थे। ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि कितनी बड़ी जगह है, कोई गांव है, कस्बा है या शहर है। कुछ ही लम्हों के बाद बंसी राज और किदारी एक बड़े से घर के दरवाजे पर रुक गए। बस एक लम्हे वहां खड़े हुए और दरवाजा खुल गया। ये अंदाजा भी नहीं हो सका कि दरवाजा उन्होंने खुद खोला है या अंदर से किसी ने खोला है। हम मकान में दाखिल हो गए। देहाती तर्ज का कच्चा पक्का मकान था, जिनका अभी पूरी तरह जायजा नहीं लिया जा सकता था। आखिरकार वो कमरे के सामने रुके। किदारी ने दरवाजा खोलकर कहा, ये तुम्हारे आराम का कमरा है खान साहब, अंदर बिस्तर लगा हुआ है, एक दरवाजा पीछे भी खुलता है, इसके दूसरी तरफ दूसरी जरूरतें पूरी करने की जगह है, उसे इस्तेमाल कर सकते हो। और सुनो, कोई चिंता मत करना, आराम से पैर फैलाकर सो जाओ, अब तुम हमारे आदमी हो, कोई टेढ़ी आंख से तुम्हें नहीं देख सकता, समझ गए? हाँ, मैंने गर्दन हिला दी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो दोनों वहां से चले गए थे। मैंने गहरी सांस ली और कमरे का जायजा लेने लगा। काफी कुशादा, साफ सुथरा था। आरामदेह और नरम गद्दे वाला बिस्तर भी मौजूद था। जिन हालात से मुसलसल गुजर रहा था, उनके बारे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। सारे रिश्ते खत्म हो गए थे, कोई वाली वारिस नहीं था, माँ बेचारी थी जो दुश्मनों की कैदी थी, न जाने उस पर क्या बीत रही होगी। किसी के लिए कुछ भी तो नहीं कर सकता था मैं। वाह दादा जान वाह, क्या विरसा छोड़कर गए आप हमारे लिए। और फिर बदनसीबी ये कि मैं ही रह गया था आपका हमशक्ल। वैसे आप कितनी चालाक हैं, मरने के बाद भी आप बड़ी चालाकी से खुद को बचाए हुए हैं, बार बार तस्वीर के फ्रेम से निकल भागते हैं। अगर आप भी शैतानी कुव्वतों को कबूल कर चुके हैं तो अपने हालात को खुद भुगतें, मुझे क्यों मुसीबत का शिकार कर रखा है। कितने किरदार आए जिंदगी में, गंगा सरी से आगाज हुआ था, मगर वो तो खुद मामून खान की शिकार हुई थी, फिर बेचारी मनिका आई और वो भी मेरी वजह से मारी गई। वो दोनों बाप बेटी मेरे लिए अच्छे थे, वो मुझे जादू बनकर सिखा सकते थे, लेकिन जमुना दास ने मुझसे मेरा ईमान नहीं छीना था। तफतर मेरे अंदर फिर एक लहर सी उठी। मैंने अहद किया था अपनी माँ से, अपने अल्लाह से वादा किया है कि कुछ भी हो जाए अपना ईमान हाथ से नहीं जाने दूंगा इंशाअल्लाह। इस एहसास को दिल में दोहराने से मेरे अंदर सुकून भरने लगा और मैंने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी, नींद आहिस्ता आहिस्ता आंखों को बोझल कर रही थी कि अचानक मेरा बिस्तर जोर से हिला और मेरी आंखें खुल गईं। यूं लगा था जैसे कोई बिस्तर से टकराया हो। कौन? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला और मैं बिस्तर पर थोड़ा सा उठकर इधर उधर देखने लगा। कोई भी नहीं था। फिर ही पलंग पर से हिला, लेकिन फिर सूरत हाल में नुमाया तब्दीली हुई। मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरी मसहरी के पीछे से निकला हो और मेरे बराबर से होता हुआ आगे बढ़ गया हो। पहले तो वो एक हवा का झोंका सा था, लेकिन चंद कदम आगे बढ़कर उसने एक हैवले की शक्ल अख्तियार कर ली और उस हैवले ने एक इंसानी शक्ल अख्तियार कर ली। मेरे खुदा, वो कोई औरत थी, निस्वानी लताफतों से माला माल, सुलगता हुआ सा हुस्न, बड़ी बड़ी बेहद हसीन लेकिन कहरनाक आँखें, दिलकश नकोश, चेहरे का रंग बिल्कुल नामानूस, ऑरेंज ऑरेंज सा काले काले घिटाऊ जैसे बाल। उसने दरवाजे के पास रुककर मुझे देखा। इन आँखों में गुस्से की सी कैफियत थी, साथ ही एक अजीब सी खुशबू कमरे में फैल गई, एक मीठी मीठी सी खुशबू जैसी चंपा के फूलों में होती है। अचानक वो होठों ही होठों में कुछ गुदगुदाई। अल्फाज मेरी समझ में नहीं आए, लेकिन अंदाज से पता चलता था कि जैसे कुछ नाखुशगवार जुमले कहे गए हैं। फिर वो दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं बर्क रफ्तारी से अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ लपका। ये एक इज्तिरारी अमल था, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं निकला। मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा था कि अचानक मेरे बाईं सींग से जोरदार घुस्सा मेरे मुंह पर पड़ा और मजा ही आ गया। जबड़ा टेढ़ा हो गया और मैं गिरते गिरते बचा। बस इत्तेफाक से ही हमलावर की शक्ल देख ली थी। हमारी दुनिया का एक बदसूरत सा आदमी था जो शर्द बाढ़ नजरों से मुझे देख रहा था। मेरी कैफियत कुछ बहाल हुई तो मेरे अंदर भी गुस्सा उठा। मैंने उसकी तरफ लपकने की कोशिश की, लेकिन वो धुएं में तब्दील होकर गुम हो गया और मैं सर पकड़ कर रह गया। अब ना औरत का पता था और ना इस मर्दूद का, और गायब ना होता तो बताता, मैंने कहा और फिर कमरे में आ गया। मैं बहुत परेशान था। ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि मैं इन कमबख्त स्मगलरों के साथ सरहद उबूर करके आ गया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपस के मामला जो चल रहे थे वो भी बड़े परेशान कुन थे।
किसी भी गलती की कोई माफ़ी नहीं थी। ये हकीकत थी कि मैं अगर हिंदुस्तानी पुलिस के हाथ लग जाऊं तो मुझे अपने मुंह से एतराफ़ करना पड़ेगा कि हाँ, मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ। आखिर मैं बग़ैर इजाज़त उनके मुल्क में घुस आया था। और फिर अब ये दोनों, यानी केदारी और बंसी राज, उफ, मैं सर पकड़कर बिस्तर पर लेट गया और मैंने आँखें बंद कर ली। ये खुशनसीबी थी क्योंकि नींद आ गई थी। मेरा सोना भी कमाल था, इन हालात में भला कहाँ नींद आती है, लेकिन सो गया और खूब सोया। जागा तो कमरे के कई रखने से धूप आ रही थी। अचानक किसी ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका और एक आवाज़ सुनाई दी, जाग गए। दो आदमी अंदर घुस आए। इनमें से एक ने कहा, पीछे गुसलखाना है महाराज, चाहे तो स्नान कर लें या मुँह हाथ धो लें। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इस दूसरे दरवाजे के बारे में रात को केदारी ने भी मुझे बताया था। मैं खामोशी से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। दिन की रोशनी में मैंने इस घर का मंजर देखा। देहाती तर्ज का बड़ा अच्छा मकान था। कमरे में वापस आया तो नाश्ता रखा था, गरम गरम पूरियां, भाजी और चाय। खामोशी से खाने बैठ गया। मुझे साफ अंदाजा हो रहा था कि कुछ पुरस्कार आके मेरा जायजा ले रही है। पेट भर गया। अभी चाय का आखिरी घूंट ले रहा था कि दरवाजा फिर से खुला और इस बार बंसीराज अंदर दाखिल हुआ। इसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए और बोला, जय आशीष परलोकता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे सामने आकर बैठ गया और फिर बोला, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ महाराज। मैं जानता हूँ तुम मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, मैंने कहा। बता दो महाराज, हो सकता है पूरी कर दें। तुम्हें मालूम है कि मैं स्मगलरों के जाल में फंसकर हिंदुस्तान की सरहद में आ गया हूँ, इसमें मेरा कसूर नहीं था। आपकी बुद्धि बड़ी कमज़ोर है। आपको बताया जा चुका है कि ये सब पूरा जाल फैलाया गया था। आप खुद यहाँ नहीं आए, आपको लाया गया है। वही सही, क्या तुम मुझे मेरी सरहदों पर वापस पहुँचा सकते हो? नहीं, वही मैं कह रहा था कि तुम मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। काम की बातें करें महाराज, हमें आपके बारे में सब कुछ मालूम है, गुज्जर घाट से लेकर यहाँ तक की कहानी। एक अजीब फेर हो गया है, आप कहें तो मैं आपको पूरी बात बताऊँ। हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ। आपके दादाजी मामून खान थे गुज्जर घाट और इसके आसपास के सबसे बड़े ज़मींदार। उन्होंने आसपास के इंसानों पर बड़े जुल्म ढाए, हिंदू मुसलमान किसी को ना छोड़ा। कुंवारी कन्याओं की इज्जत लूटी, जिसने उनका रास्ता काटा उसे मौत का मजा चखा दिया। तब एक हिंदू घराने ने करवा पाठ किया। क्या किया? करवा पाठ, ये क्या होता है? काले धर्म का एक शरधंक, बहुत बड़ा काम होता है ये। अपने पूरे परिवार की बलि देनी होती है। पंडित श्रीनाथ बहुत शरीफ आदमी थे, उसके दादा परदादा मंदिरों के पुजारी रहे थे। एक ही पुत्री थी इसकी, सरोवना, जिस पर वो जान देता था। पापी मामून खान के हाथ लग गई। इसने सरोवना की इज्जत लूटी और फिर उसे जान से मार दिया कि वो किसी से उनका नाम ना ले दे। पर श्रीनाथ को मालूम हो गया। वो जानता था कि वो मामून खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, मगर वो अपनी पुत्री को मौत को भी नहीं दिला सकता था। उसने अपने घर वालों से बात की और वो करवा पाठ के लिए तैयार हो गए। इसके तीन बेटे और धर्मपत्नी थी। तीनों ने आत्महत्या कर ली ताकि उनकी आत्माएं मामून खान से बदला ले सके। इसके लिए उन्होंने काली देवी का सहारा लिया था, मगर जब पापी मामून खान को मालूम हुआ तो उसने एक आशीष पर परलोकता कर्मचारी का सहारा लिया और अपना धर्म उस पर वार दिया। उसने अपना धर्म छोड़ दिया। मेरे दादाजी ने? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, काली देवी के क्रोध से बचने के लिए उसने धर्म दान कर दिया। पर एक बार काली का वार चल गया और उसने मामून खान को नर्क जल कर दिया। मामून खान तड़प तड़प कर मर गया, मगर मरते हुए उसने अपने प्राण आशीष परलोकता के हवाले कर दिए और अपनी आत्मा को आज़ादी दिला दी। श्रीनाथ ने अपना काम शुरू कर दिया। इस बीच इसकी भेंट हीरा लाल से हुई, जिसकी बेटी गंगा सिरी के साथ भी वही अन्याय हुआ था और वो मामून खान परिवार से बदला लेने की सौगंध खा चुका था। उसने अपना काम शुरू कर रखा था और एक एक करके मामून खान परिवार को खत्म कर रहा था कि बीच में कुछ तब्दीलियाँ हुई। अब सूरत यह है कि आशीष परलोकता और काली के मानने वालों में चल रहे हैं। कारण मामून खान था, जिसकी शक्ल वाले तुम हो। तुम्हारा किसी एक धर्म में आना जरूरी है। अगर तुम काली धर्म में आ जाते हो तो हीरा लाल की चढ़ जाती है, और अगर आशीष परलोकता में आ जाते हो तो इन्हें मात हो जाएगी। तुम्हारी आशीष परलोकता में आना जरूरी है, इसी तरह काली धर्म वाले हार सकते हैं। तुम्हारा चाचा फरीद खान आशीष परलोकता का संसारी बन चुका है और इसे काफी शक्ति मिल गई है, मगर इतनी नहीं कि वो सारी मनमानी कर सके। हाँ, अगर तुम भी उसके साथी बन जाओ तो उसे बड़ी शक्ति मिल सकती है। ये सारी बकवास सुनकर मेरा सर चकराने लगा था। वो खामोश बैठा मेरी शक्ल देख रहा था, फिर उसने मुझे घूरते हुए कहा, जोश से नहीं होश से काम लो, जज्बाती बेवकूफ़ों से कुछ नहीं मिलता। तुम्हारी माँ इनके कब्जे में है, इसे नुकसान पहुँच सकता है।
मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, मेरे दीन के बारे में कुछ मालूम है? हाँ, क्यों नहीं, क्या मालूम है? यही कि तुम मुसलमान हो। मुसलमान किसे कहते हैं जानते हो? क्या कहना चाहते हो? मैं एक गुनहगार मुजरिम हूँ अपने दीन का। अल्लाह की इबादत नहीं कर सका जैसी मुझे करनी चाहिए, लेकिन मैं अपने दीन पर लाख बार कुर्बान होने को तैयार हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में तुम नहीं जानते होगे? अल्लाह ने उनसे उनकी लखते जिगर की कुर्बानी मांगी तो अल्लाह अकबर कहते हुए इसे कुर्बान करने चल पड़े। हम अपने मजहब पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। जब भी तुम लोगों ने हमें दीन के नाम पर ललकारा, हमने तुम्हारी जबान इस तरह बंद की कि तुम दोबारा इसे ना खोल सके। ऐसा ही अब भी है। एक लफ्ज मेरे दीन के खिलाफ न कहना, वरना अभी इसी लम्हे मेरा मजहबी फर्ज शुरू हो सकता है। मेरी आंखों में खून उतर आया और वो बौखलाकर खड़ा हो गया। अरे अरे, दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं चलो ठीक है, फिर मिलता हूँ तुमसे। अभी तो तुम, इसने जुमला पूरा नहीं किया और उठकर बाहर निकल गया। काफी देर तक मेरा फोन खोलता रहा। फिर मैं इस बकवास पर गौर करने लगा जो उसने की थी। ये काले जादू का खेल था जिसमें फरीद खान भी पिट चुका था, लेकिन मैं जान चुका था कि शैतानी कुव्वतों ने उसे सिर्फ अपना आलायकार बनाया है और उसे भी कुछ हासिल न होगा। कई दिन गुजर गए। एक तन्हा इंसान पर जो गुजरती है वो मुझ पर गुजर रही थी। सोचे, गुजरी हुई यादें सीना चीरती थी। वक्त कैसा बदल जाता है प्यारे, कितनी दूर चले जाते हैं। याद करो और आंसू बहाते रहो। जिंदगी मसरूफ हो तो भी दिल बहल जाता है, और जिंदगी अगर साकित हो जाए तो कयामत बीत जाती है। ये कयामत मुझ पर बीत रही थी। फिर एक दिन खोपड़ी घूम गई। मैं गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ हूँ। मेरा कसूर नहीं था। नापाक कुव्वतें मुझे यहाँ घेर कर लाई हैं। यहाँ ये बात कोई नहीं मानेगा। मुझे पाकिस्तानी जासूस समझकर जेल में डाल दिया जाएगा या सजाए मौत दे दी जाएगी। क्या करूँ, कैसे जिंदगी बचाऊँ? अगर कुदरत को इसी तरह मेरी मौत मंजूर है तो यही सही। मैं घर से बाहर निकल आया। सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा। कोई पुरसान हाल नजर न आया, कोई मेरी तरफ मुतवज्जे न था। फिर दूसरे रेलवे स्टेशन नजर आया और मेरे कदम इस तरफ उड़ गए। बस जुनूनियों जैसा अंदाज था। न जाने कहाँ से ट्रेन आई, स्टेशन पर रुकी, मुसाफिर उतरे, मुसाफिर चढ़े, मैं भी एक डब्बे में चढ़ गया और खामोशी से एक सिंक बैठ गया। रेल चल पड़ी, चलती रही। रात हो गई और मैं सो गया। रेल का सफर काफी लंबा था। दूसरी सुबह मैं एक बहुत बड़े स्टेशन पर जाकर रुका। नई दिल्ली का बोर्ड नजर आ रहा था। वाह, खूब हिंदुस्तान घूमने को मिल रहा था। ट्रेन के सारे मुसाफिर उतर गए, मैं भी उतर कर स्टेशन से बाहर आ गया। हालांकि ज्यादा दिन ही चढ़ा था, लेकिन खूब रौनक थी। एक खास माहौल, एक खास सकाफत। भूख से जान निकल रही थी। खाने पीने की चीजें नजर आ रही थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। उस वक्त एक सड़क उबूर कर रहा था कि उकब से एक कार आई और उसने मुझे जोर से टक्कर मार दी। कितने फासले पर जाकर गिरा इस पे सोचने का मौका ही ना मिला। शायद बेहोश हो गया था, लेकिन जिंदा था, और जिंदा था तो होश आना भी जरूरी था। लेकिन होश में आकर जो चीज नजर आई उसे देखकर जहन पर बहुत खुशगवार असर हुआ था। नर्स थी, धुला धुला सफेद चेहरा, सफेद मखसूस लिबास, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो नर्स है। सबसे ज्यादा खूबसूरत उसके सफेद दांत थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और उसका पूरा चेहरा मुस्कुराने लगा। हेलो, उसकी आवाज़ भी उस जैसी थी। जी, कैसे हो? मैंने गौर नहीं किया। क्या मतलब? मतलब ये कि कैसा हूँ अभी पता नहीं, अभी आँख खुली है, होश कहाँ आया है? मैंने कहा और वो हंस पड़ी। पूरी तरह होश में हो, बल्कि बहुत से होशमंदों से ज़्यादा होश में हो, नर्स ने मायने फेस लहजे में कहा, और मुझे वाकई होश आ गया। नर्स गलत समझ रही थी। बाकी मेरे अल्फाज ऐसे थे कि कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकती थी। मैं एकदम संजीदा हो गया। मेरा एक्सीडेंट हुआ था सिस्टर, मैंने कहा, और इस बार नर्स के होश कुछ बिगड़े थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे सिस्टर कहूँगा। हाँ, वो मुख्तसरन बोली, मैं कहाँ कहाँ से टूटा हूँ, सिर्फ दिमाग ख़राब हुआ है और कुछ नहीं, इसने किसी कदर मुँह बनाकर कहा। उसी वक्त एक दूसरी नर्स उसके पास पहुँच गई। डॉक्टर खोसला बुला रहे हैं जूनी, उसने कहा। चलो, नर्स ने कहा, और दोनों बाहर चली गई। तब मैंने अपने अतराफ का जायजा लिया। ये सेमी प्राइवेट जैसा वार्ड था। बड़ी सी जगह थी जहाँ पर पर्दों से पार्टीशन लगाए गए थे। मेरे आसपास कई स्टैंड लगे हुए थे जिनमें ड्रिप्स की खाली बोतलें लटकी हुई थी। इनमें मोटी मोटी नलकियाँ लगी हुई थी जिन्हें बोतलें खाली होने के बाद लपेट दिया गया था। ड्रिप्स की बोतलों में सियाल नजर आ रहे थे। एक बोतल पर नजर जम गई। इसमें खून जैसा कोई सियाल था जो जमा नजर आ रहा था। खून? क्या खून चढ़ाया गया है मुझे? लेकिन क्यों, मेरे बदन को खून की जरूरत क्यों पेश आ गई, जबकि मेरे अंदर तो कोई टूट फूट नहीं हुई थी, कोई जख्म नहीं लगा था। इस वक्त तो मुझे बस भूख लग रही थी और बुरी तरह चक्कर आ रहे थे।
लेकिन अब इस वक्त तो मुझे भूख भी नहीं लग रही थी। बात कुछ समझ में नहीं आई। उसी वक्त एक तीसरी नर्स अंदर आ गई। वो शायद मुझे कोई इंजेक्शन लगाने आई थी जिसका सामान उसके पास था। हाथ सीधा कर लो, उसने नरम लहजे में कहा। जी सिस्टर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी बोले। सिस्टर मुझे कुछ बैरूनी जख्म आए हैं। नहीं, कुछ खराश नहीं आई। आपको किसी कार ने टक्कर मारी थी मगर भगवान ने आपको बचा लिया। आप बस बेहोश हो गए थे। मुझे यहाँ कौन लाया? मुझे नहीं मालूम। ये सारी ड्रिप्स मुझे लगाई गई है। हाँ, ये खून की ड्रिप है। मुझे खून क्यों लगाया गया है? मैंने पूछा। नर्स इस ड्रिप को देखने लगी फिर बोली, ये बात तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। ये ताकत की ड्रिप थी जिससे तुम्हारी भूख की कसर पूरी की गई। लाओ हाथ सीधा करो। नर्स ने मेरे हाथ में इंजेक्शन लगाया और वहां से चली गई। मैं गहरी गहरी सांसें लेता रहा। बात अब भी मेरी समझ में नहीं आई थी। काफी देर गुजर गई, फिर कुछ लोग अंदर आए। इनमें एक डॉक्टर भी था जिसका अंदाजा उसके लिबास से हुआ था। दो और अफराद थे, वो मेरे करीब पहुंच गए। डॉक्टर ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसी तबीयत है दोस्त? ठीक हूँ डॉक्टर साहब। कोई कमजोरी तो महसूस नहीं हो रही? नहीं। ओके, डॉक्टर ने कहा। फिर आगे से मेरे सीने वगैरह का मुआयना किया और बोला, ये ठीक है, आप डिस्चार्ज स्लिप बनवा लें, आप इन्हें ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। दूसरे दोनों अफराद में से एक ने कहा, फिर दूसरे आदमी से बोला, ग्रोहर तुमने डिस्चार्ज स्लिप बनवा लो और पेमेंट वगैरह कर दो, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। ओके सर, दूसरे आदमी ने अदब से कहा। आइए, इस शख्स ने बड़ी नरमी से मुझसे कहा और मैं बिस्तर से नीचे उतर आया। मेरे जूते नीचे रखे हुए थे, मैंने जूते पहने और इस शख्स के साथ चल पड़ा। सरकारी अस्पताल था। बाहर आकर उस शख्स ने कार का दरवाजा खोला और मुझे बैठने की पेशकश की। मैं खामोशी से अंदर बैठ गया और उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। कार आगे बढ़ गई। कार की खिड़कियों से बाहर देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि मैं दिल्ली में हूँ। दुकानों के साइन हिंदी और अंग्रेजी में लिखे हुए थे। वो शख्स खामोशी से कार चला रहा था। मैंने इससे पूछा, आपने मुझे कितने पैसों में खरीदा है सर? ऐ, वो चौंक पड़ा। मेरी बात उसको समझ में नहीं आई थी। आप मुझे इस तरह ले जा रहे हैं जैसे मैं आपका जर खरीद हूँ? नहीं खान साहब, आप हमारे जर खरीद नहीं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मुअज्ज़ज़ मेहमान हैं, उसने जवाब दिया। मैं आपका मेहमान हूँ, दोस्त हूँ, लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम कि आप कौन हैं और मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। बस जहाँ मैं आपको ले जा रहा हूँ वो जगह आ गई, आपको अभी पता चल जाएगा, उसने नरमी से कहा। कार उस वक्त दिल्ली के मज़ाफात में पहुँच गई थी। एक उजाड़ सी जगह थी जहाँ इक्का दुक्का मकीन बड़े बड़े घर बने हुए थे। ये घर भी पुरानी तर्ज के थे, बसी और आहाते और आखिर में लखोरी ईंटों से बनी हुई इमारतें। ऐसे ही एक घर के टूटे फूटे गेट से कार अंदर दाखिल हो गई और पोर्च टाइप की जगह रुक गई। इस शख्स ने उतर कर दरवाज़ा खोला और मुझे उतरने का इशारा किया। मैं खामोशी से उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। इमारत अंदर से बहुत ठंडी और पुरसकून थी। एक चौड़ी राहदारी से गुजर कर वो मुझे एक बड़े से हॉल कमरे में लाया जहाँ कदीम तर्ज का फर्नीचर पड़ा हुआ था। आप बैठे खान साहब, बस दो मिनट, वो ये कहकर बाहर चला गया और मैं थके थके से अंदाज में एक सोफे पर बैठ गया। मैं अंदाजे लगा रहा था कि ये कौन लोग हो सकते हैं जिसने मुझे अंदाजे से खान साहब कहकर पुकारा था। इससे मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था कि कौन है और दो मिनट के अंदर इसकी तस्दीक हो गई। चंद अफराद अंदर दाखिल हुए और इनमें सबसे आगे बंसीराज, फिर केदारी और आखिर में वही तीखे नकोश वाली औरत जो एक बार मुझे नजर आई थी और उसने बड़ी तल्ख नजरों से मुझे देखा था। तीनों अंदर दाखिल हो गए। मैंने किसी हैरानी का मुजाहरा नहीं किया तो केदारी बोला, बड़ा लंबा सफर कर डाला खान साहब। हाँ, मगर तुमने अभी पीछा नहीं छोड़ा। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा मानोगी तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगा, मैंने फीकी सी हंसी के साथ कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप हमारा मान है, बड़ा रुतबा है आपका, बस समझ का खेल है, हमें थोड़ा सा गलत करना पड़ा है, मगर आप देखेंगे कि आपको कितना बड़ा मान मिला है, केदारी बोल रहा था। तो तुमने मेरा पता लगा लिया, मैंने कहा। पूरी बात बताता हूँ। कुंती, कोई शरबत मंगवाओ। आ रहा है, औरत बोली जिसका नाम कुंती लिया गया था। पूरी बात यह है महाराज कि आपको हर कीमत पर आशीष परलोकी मनना है। ये बात बड़ों के बीच तय हुई है और कहा गया है कि जिस तरह भी बन पड़े आपको तैयार किया जाए। तो महाराज, आपको पाकिस्तान की सरहद से हिंदुस्तान लाया गया। हम ये तय कर रहे थे कि आपको किस तरह आशीष पंथ में लाया जाए कि आप वहाँ से निकल भागे। हमें पता चल गया कि आप रेल में बैठकर चल पड़े हैं, फिर आप स्टेशन पर उतरे और पैदल चले तो सारा प्लान तैयार कर लिया गया। आपको एक मोटर कार से धक्का मारकर बेहोश किया गया और अस्पताल लाया गया। यहाँ सारा इंतजाम करके आपके शरीर में आशीष अमृत उतारा गया। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, उल्लू का खून जिस पर मंत्र पड़े गए थे। उल्लू का खून? मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, आपको राह रास्त पर लाने के लिए ज़रूरी था।
क्या बकवास कर रहे हो? मैं गुर्राया। धीरज महाराज धीरज, कोई मामूली चीज नहीं होती वो। मगर ये तुमने कैसे किया? ये तुमने कैसे किया? अस्पताल में आपको इसके खून की बोतल लगवाई गई थी, इसीलिए आपको धक्का देकर गिराया गया था कि आप अस्पताल पहुंच जाए, वहां ये काम करा दिया जाए। आप खुद तो ये काम कभी ना करते। तो मेरे बदन में वो नापाक महलूल उतर चुका है, मैंने टूटे हुए लहजे में कहा। आप उसे नापाक कहकर हमारे मन में बुराई पैदा कर रही हैं। आपको सारी बातें बता दी गई हैं। आखिरी बार आपसे कहा जा रहा है कि सारी बातें भूल जाएं। आप खान बहादुर अशरफ खान ही रहेंगे, बस आपके संस्कार बदल जाएंगे। आप राज जोशनी के पैरोकार रहेंगे और इससे किए गए वचन को पूरा करेंगे। अब आप आराम करें, हम आपके अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियों का इंतजार करेंगे। और महाराज, आखिरी बार आपको एक चेतावनी दी जा रही है। क्या? 7 दिन खामोशी और आराम से गुजार दें, 8वें दिन आपको आज़ादी होगी, जो मन चाहे फैसला करे। लेकिन 7 दिन के अंदर अगर आपने यहाँ से भागने की कोशिश की या किसी को नुकसान पहुँचाया तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, और फिर हिंदुस्तान पुलिस आपके साथ जो भी बर्ताव करेगी वो इसका काम होगा। मैंने खामोशी से गर्दन झुका दी। मुझे एक जगह मुंतकिल कर दिया गया। ये कोई मंदिर नुमा जगह थी, पुरानी और ठंडी इमारत जिसमें बेहद बड़े बड़े हॉल थे और इनमें पत्थर और कांसे के बुत इस्तादा थे। अजीब अजीब बुत। मुझे डर तो नहीं लगा था, लेकिन मैं एक अजीब सी सनसनी महसूस के बगैर नहीं रह सका था। मेरे आराम के लिए एक बड़ा कमरा रखा गया था जो पुरासाइश था। एक बहुत बड़ा कदीम तर्ज का छप्पर खट पड़ा हुआ था। यहाँ पहली शाम हुई तो कुंती मेरे पास आई। महाराज का भोजन तैयार है, हुक्म हो तो ले आऊँ। क्या है? भाजी पूरी। मांस भी मिल सकता है, पर हमें मांस पकाना नहीं आता। जो है ले आओ, मुझे भूख लग रही है, मैंने कहा। दरहकीकत मुझे बड़ी भूख लग रही थी। वो वापसी के लिए मुड़ गई। उसने राजस्थानी अंदाज की धोती बांधी हुई थी। मैंने इसे उकब से देखा। बेहद हसीन मदन की मालिक थी, आंखों में बसी जा रही थी। मैं उसे देखता रहा, वो निगाहों से ओझल हुई तो मैं चौंका और मैंने लाहौल पड़ी। इस अंदाज में बिल्कुल पहली बार मैंने किसी को देखा था। वो खाना ले आई, कमाल का लजीज खाना था, मैं जरूरत से ज्यादा खा गया। वो खामोशी से कुछ फासले पर बैठी मुझे देख रही थी, फिर वो बर्तन उठाकर चली गई और मैं आराम करने लेट गया। लेटने के बाद मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। सारा किया धरा मेरे दादा जान का था। उन्होंने अपनी जवानी में जो कुछ किया था उसका खमियाजा पूरे मलखान खानदान को भुगतना पड़ रहा था, और अब मैं इसका शिकार था। मैंने अपना ईमान ना छोड़ने की कसम खाई थी, लेकिन मुझ पर बड़े कठिन हालात बीत रहे थे। क्या करूँ, कैसे अपने अहद पर कायम रहूँ? इसके सिवा चाराकार नहीं है कि जान दे दूं। केदारी और बंसी राज ने कितनी ही बकवास की हो, मुझे यहाँ से निकलना होगा। बाहर जाऊंगा और जाहिर है पाकिस्तानी जासूस की हैसियत से पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि कोई नहीं मानेगा कि मैं किस तरह यहाँ आया हूँ। और फिर मेरी जो दुर्गत बनेगी वो बड़ी इबरतनाक होगी। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। फिर मैं इस हौलनाक जगह के बारे में सोचने लगा। बाहर हॉल में कैसे कैसे भयानक मुजस्मे इस्तादा हैं। कोई और होता तो इस तसव्वुर से ही मर जाता कि बाहर माहौल कितना खौफनाक है। ना जाने कितनी देर जागता रहा, फिर नींद आ गई। रात आधी के करीब गुजरी होगी कि बाहर कुछ आहटें सुनाई दी। मेरी आंख खुल गई। पहले मैं लेटे लेटे ये आहटें सुनता रहा, फिर कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें उभरी जो काफ़ी वाजे थी। कौन आया है? मेरे दिल में शदीद तजस्सुस उभरा और मैं खुद को बाज ना रख सका। अपनी जगह से उठा और दबे पांव चलता हुआ दरवाजे तक आया। दरवाजे में हल्की सी झिरी पैदा करके मैं बाहर झाँका। दरवाज़ा खोलते हुए भी मैंने बातें करने की आवाज़ें सुनी थी तो अल्फाज मेरी समझ में नहीं आए थे, लेकिन मुख्तलिफ आवाज़ें नुमाया थी। लेकिन जो ही दरवाज़ा खुला एकदम खामोशी तारी हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को मेरे बाहर झांकने का एहसास हो गया हो। लेकिन किसे, कौन बातें कर रहा था? मुजस्मे खामोशी से खड़े थे, लेकिन नहीं, एक तब्दीली रोनमा हुई थी। मुजस्मों की जगह में तब्दीलियाँ हुई थी। कई मुजस्मों को मैंने पहले गौर से देखा था, इनमें कुछ ऐसी खसूसियतें नुमाया थी कि मैं इन्हें गौर से देखने पर मजबूर हो गया था। वो जहाँ थे इस जगह को भी मैंने अच्छी तरह देखा था। इस वक्त वो मुजस्मे उस जगह नहीं थे जहाँ मैंने उन्हें पहले देखा था, उनकी जगह बदल गई थी। कैसे? क्या वो चल फिर रहे थे? वाकई मेरे बाहर झांकने से पहले वो मुतहरिक थे, वही आपस में हंस बोल रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। कैसा खौफनाक तसव्वुर था, इन मुजस्मों में जिंदगी थी और वो इस तरह खामोश थे जैसे आपस में इशारे कर रहे हों। मेरा वहाँ खड़े रहना बेमायने था, चुनाचे अंदर आकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन फिर बाकी रात नींद नहीं आई थी, सोचों ने दिमाग पर यलगार किए रखी थी। सुबह हो गई, सूरज कुछ चढ़ा तो बहरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक नगमावार आवाज़ सुनाई दी। मैं अंदर आ जाऊँ? साफ पहचान लिया, कुंती थी। इस वक्त वो एक नए लिबास में थी,
खालिस हिंदू देव कन्याओं का लिबास जो बड़ा हैजान फेस था, नहा कर आई थी। लंबे से हवालों से पानी के पतरे टपक रहे थे। जय महान प्रलोकी, उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए। मैं खामोशी से उसकी सूरत देखता रहा तो वो मुस्कुरा दी। स्नान करेंगे महाराज, यहाँ इंतजाम है, मैंने पूछा। हाँ पीछे ही तो है, आइए, उसने कहा और मैं कमरे से बाहर निकल आया। एक बड़ा सा कुआं था जिसके पास डोल और रस्सी रखी हुई थी। एक तरफ पत्थर की एक मोटी सिल पड़ी हुई थी, उसके करीब एक खूब बड़ी कुंडेली ऊंचे पत्थरों पर रखी थी जिसमें कई नलके बराबर बराबर लगे हुए थे। बड़ा अजीब इंतजाम था। वो बोली, बैठ जाइए, मैं पानी खींचती हूँ। अरे नहीं, मैं भर लूंगा। बैठ जाइए, आपकी कृपा होगी। मगर मेरे कपड़े? वो रखी हैं, आप बदल लें, मैं मुंह फेर लूंगी, उसने कहा और फिर हंस पड़ी। मुझे उसकी हंसी बड़ी अजीब लगी थी। तुम यहाँ से जाओ, मैंने कहा और वो खूब हंसी और फिर हंसती हुई वहां से चली गई। मैंने गुस्ल करके दूसरे कपड़े पहने जो उन्होंने पहना दिए थे। फिर कमरे में पहुंचा तो गरम गरम नाश्ता रखा हुआ था और कुंती वहीं बैठी इंतजार कर रही थी। बड़ा अजीब सा अंदाज था उसका, जैसे कोई बहुत ही अपना होता है, बड़ी जिम्मेदारी थी उसके अंदर। उसने मुझे नाश्ता कराया और फिर बोली, जा रही हूँ, दोपहर को रघुराम तुम्हें खाना दे देगा, मैं रात को आऊंगी। एकदम मेरा दिल चाहा कि इससे पूछो कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन फिर खामोशी रहा। दिन बड़ा अजीब गुजरा था, बेकैफ बोझल बोझल रहा। रघु बस एक मुलाजिम किस्म का आदमी था, रात का खाना भी वही लाया था, मगर मैंने उससे कुंती के बारे में नहीं पूछा। अलबत्ता मेरी सोची जूकी तू रही थी, मैं कोई फैसला ही नहीं कर पा रहा था। इन लोगों ने साफ कह दिया था कि अगर मैंने यहाँ से निकल भागने की कोशिश की तो वो कोई मेरी मदद नहीं करेंगे। बहुत कुछ सोच रहा था, अगर उनकी परवाह किए बगैर निकल भी जाऊँ तो छुप छुप कर ही जीना पड़ेगा। उसके अलावा अगर पाकिस्तान भी निकल जाऊँ तो भी वहाँ मेरे लिए फांसी का फंदा तैयार है, मेरी कोई दारदर्शी नहीं होगी। रात हो गई, नींद आ गई। इस मंदिर नुमा जगह जहाँ बुद्ध इश्तादा थे, इनके बारे में मुझे यकीन हो गया था कि आधी रात को उनकी सुबह हो जाती है। वो जाग जाते हैं, चलते फिरते हैं, आपस में बातें करते हैं और रोशनी होते ही खामोश हो जाते हैं। लेकिन मैं जब भी उन्हें मुतहरिक देखने की कोशिश करता वो खामोश हो जाते, साकित हो जाते। इस वक्त भी आँख खुल गई थी। मेरा यही ख्याल था कि ये आहट बाहर ही हुई है जिससे मेरी आँख खुली थी, लेकिन कमरे के एक गोशे में मध्यम सी नीली रोशनी नजर आते ही मैं चौंक पड़ा। इस रोशनी में मुझे एक साया नजर आया था जबकि मेरे कमरे का दरवाजा बंद था। कौन? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला और साया मेरी तरफ चल पड़ा। खुशबू का एक मसहूर कुन झोंका मेरे करीब आ गया। मैं हूँ, एक नशा आलूद आवाज सुनाई दी। कुंती? हाँ। आ गई तुम? हाँ, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? वो मेरे करीब आकर बैठ गई। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन कुंती के बदन के गिर्द एक हाला खींचा हुआ था और इससे खारिज होने वाली मध्यम रोशनी में उसका बदन चमक रहा था। मेरे सांस बोझल होने लगे। बताओ, मेरा इंतजार कर रहे थे? उसने कहा। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन मुंह से आवाज ना निकल सकी। मैंने इससे दूर हटने की कोशिश की लेकिन इसमें भी कामयाब ना हो सका। मैंने खुद को बताया कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, एक अजनबी ख्वाब जो मैंने कभी नहीं देखा, एक ऐसा ख्वाब जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था लेकिन सब कुछ जानता था। फितरत का रहनुमा ख्वाब और फिर लज्जत ख्वाब, सहर सूरज की रोशनी लूट ली गई। ना जाने कौन से कोने खुदरों से घुसाई थी बदबख्त, ऐसी रातों की सहर तो बड़ी बदनुमा होती है। अगर कुंती का सहर खेज वजूद मेरे बदन से लिपटा गहरी गहरी सांसें ना ले रहा होता तो मैं इन गुजरे लम्हात को ख्वाब ही समझता, लेकिन वो बेखुद मुझमें समाई सो रही थी। गोया आधी रात का ख्वाब से ख्वाब नहीं था। मैं सख्त उलझन का शिकार हो गया। ये क्या हो गया, अब क्या करूं? बमुश्किल तमाम खिसक खिसक कर उससे अलहदा हुआ, पलंग से नीचे उतरा और फिर बाहर निकलकर कुएं की तरफ चल पड़ा। खुद पर मनो पानी गिराकर जब वापस कमरे में दाखिल हुआ तो कुंती बनी सबरी नाश्ते के साथ तैयार बैठी थी। उसके चेहरे पर बड़ी ताजगी, बड़ी बशाशत थी। नाश्ता तैयार है महाराज, उसकी मोहब्बत भरी आवाज उभरी और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। देखता रहा और फिर नाश्ता करने लगा। उसके बाद कुंती सारा दिन मेरे साथ रहने लगी। वो मेरे सारे काम करती, उसने मुझे इस पूरे मंदिर की सैर कराई। पत्थरों के ये बुत सिर्फ उस हॉल में ही नहीं थे बल्कि पूरे मंदिर के मुख्तलिफ कमरों और हॉलों में थे। कुंती मुझे लड़कियों के बारे में बताती और मैं हैरत से उसकी सुनाई हुई मजहका खेज कहानियों पर गौर करता और दिल में सोचता कि ये सब बकवास है, लेकिन कभी कभी मेरी जहनी रो भटक जाती और मैं खुद को भूल जाता। कुंती को भी अब मेरे बगैर चैन नहीं आता था। वो मेरे लिए तरह तरह के भोजन तैयार करती, मैं इससे ये भी नहीं पूछता था कि ये क्या है। फिर एक सुबह कुंती ने मुझसे कहा, आज कौन सा दिन है महाराज, याद है? दिन? मैंने सोचते हुए कहा, हाँ मुझे याद नहीं, मंगलवार है।
और आज आपको आशीष भवन चलना है। आशीष भवन कहाँ है? वही घर जहाँ से आप यहाँ आए थे। आज राजगर्धनी मंदिर में आपका समय पूरा हो गया है, अब आप यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ? तैयार हो जाएं, हमें चलना है, वो किसी कदर उदासी से बोली। मैंने इससे कोई सवाल नहीं किया और इसके साथ चलता हुआ उस घर में पहुंच गया जहाँ केदारी और बंसी राज बैठे हुए थे। जय आशीष परलोकता, जय राजगृहिणी, दोनों ने कहा। मैं खामोशी से उनकी सूरत देखता रहा। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो इस तरह एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो फिर, मैंने कहा, और वो दोनों उछल पड़े। उन्होंने मानी खेज नजरों से एक दूसरे को देखा और फिर हैरत से कुंती की तरफ। कुंती गर्दन लटकाकर बाहर चली गई। बंसीराज ने कहा, हमने तुम्हारा नया नाम रख लिया है। तुम्हारा नया नाम है शक्ति आनंद। कैसा नाम है? मैंने भी तुम दोनों के नाम बदल दिए हैं और एक ही नाम रखा है तुम्हारा। ए, क्या? उल्लू के पट्टे। तुम दोनों पर यह नाम खूब जचता है, मैंने कहा और दोनों के चेहरे सुर्ख हो गए और उनकी आंखें भी सुर्ख हो गईं। वो देर तक कुछ ना बोले और खुद को मुतबिल करने लगे। फिर केदारी ने कहा, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? नामों की बात हो रही है। तुमने मेरा नाम शक्ति आनंद रखा, मैंने भी तुम्हारा नाम रख लिया। वैसे तुम इस गलतफहमी का शिकार कैसे हो गए कि मैंने तुम्हारा धर्म स्वीकार कर लिया है? गलतफहमी का शिकार तो तुम हो बालक, धर्म तो तुम्हारा भी गया। अब तुम नाम के मुसलमान हो। वो सब कुछ कर लिया गया है जिससे तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। वो सारी चीजें तुम्हारे शरीर में उतर गई हैं जिससे तुम धोबी के कुत्ते हो गए हो, घर के ना घाट के। वो कैसे? कुंती ने तुम्हें जो कुछ खिलाया है वो तुम्हारे धर्म में नापाक है, लेकिन वही आशीष परलोक जाने का रास्ता है। वैसे ताज्जुब की बात है कि तुम्हारा शरीर इन चीजों से भर गया है मगर तुम अभी तक अपने धर्म से दूर नहीं हुए, जबकि तुम्हारा चाचा फरीद खान आसानी से काली देवी का दास बन गया। उसकी वजह है केदारी जी, बताओगे? मेरा खुदा मेरे दिल में है, मेरे मजहब में बड़ी छूट है। जिस तरह पैदा होने वाले बच्चे के बाजू में BCG का टीका लगाया जाता है जो सारी जिंदगी इसकी कुव्वत मुदाफियत का साथ देता है, उसी तरह मेरे धर्म में पैदा होने वाले बच्चे के कान में अजान दी जाती है। उसे बताया जाता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो वाहिद ला शरीक है, और सारी जिंदगी के लिए हमारी वैक्सीनेशन हो जाती है। हमारे ऊपर जितनी भी नापाक बीमारियां हमला करें, वो काली देवी की नापाक बीमारी हो या आशीष परलोकता और राजगृहिणी की, हमें अगर कुछ लम्हों को भटक भी जाते हैं तो हमारी वैक्सीनेशन हमारी मदद करके हमें ठीक कर देती है। केदारी के चेहरे से नजर आ रहा था कि वो गुस्से से खौल रहा है। फिर उसने खुद को संभाला और लड़ाका औरतों की तरह बोला, तो क्या तुम्हारे चाचा फरीद खान की वैक्सीनेशन नहीं हुई थी? उसके अंदाज पर मैं हंस पड़ा। मैंने दूसरी बात कही, वो तुमने नहीं सुनी क्या? मैंने कहा कि अगर हम कुछ लम्हों के लिए भटक भी जाएं, तो हमारी वैक्सीनेशन हमें मदद करके हमें ठीक कर देती है। तेरा मतलब है कि ये तेरा चाचा भी ठीक हो जाएगा और काली देवी के जाल से निकलकर अपने धर्म में वापस आ जाएगा? मुझे पूरा यकीन है। तब तू पागल हो गया है, जिसने तुझे कहीं का ना छोड़ा, तेरा सब कुछ छीन लिया, तुझे दर बदर कर दिया, तेरी माँ को कैदी बना लिया, तू उससे ये उम्मीद रखता है कि वो ठीक होकर अपने धर्म में आ जाएगा? ये भी हमारे दीन का सबक है केदारी। क्या? ये कि अल्लाह की कुदरत से कभी मायूस ना हो, वो जब चाहे सारी कायनात का नक्शा बदल दे। एक भटका हुआ इंसान क्या हैसियत रखता है? मगर तेरा शरीर काले धर्म के लिए तैयार किया जा चुका है, अब तू अपने धर्म में दिल से वापस जाना चाहे तब भी नहीं जा सकता। तेरी बात ही बेवकूफ़ी की है। कौन सी? तूने कहा ना कि मैं अपने धर्म में वापस जाना चाहूँ, तो बेवकूफ़ के बच्चे में अपने धर्म से निकला कब हूँ? मेरे साथ धोखा हुआ है। ठीक है, कुछ दिन के लिए हम तुझे आज़ाद छोड़ देते हैं, जा इस धोखे के मजे चख, केदारी ने कहा। वो जिच हो गया था, फिर वो वहाँ से चला गया। मुझे आज़ाद छोड़ दिया गया था और अब मैं सोच रहा था कि ये मज़ा मैं कैसे चखूँ जिनकी धमकी केदारी देकर गया है। मैंने अपने अतराफ में निगाह डाली, बड़ी अजीब सी जगह थी, दूर दूर तक वीराना नजर आ रहा था। मैंने गहरी सांस लेकर कदम आगे बढ़ा दिए और मैं बेख्तियारी से चलता रहा। मेरे जहन में कोई एहसास नहीं था कि कहाँ जाऊँ, बस चल रहा था। काफ़ी फासला तय करने के बाद ढलान नजर आए। इन ढलानों के अख्तितम पर आबादी और सरसब्ज शादाब खेत फैले हुए थे, आबादी के मकान नजर आ रहे थे। मैंने ये फासला तय किया और आबादी के करीब पहुंच गया। एक घने दरख्त की छांव में रुककर मैं इस आबादी का जायजा लेने लगा। अचानक मेरी नजर दरख्त से कुछ फासले पर उड़ गई तो मैं चौंक पड़ा। कलामे पाक का एक फटा हुआ वर्क था जो थोड़े फासले पर पड़ा हुआ नजर आ रहा था। इस पर मुकद्दस आयत लिखी हुई थी। बेख्तियार मेरे दिल में एहतराम का जज्बा उठा। ये वर्क हवा से उड़कर उस तरफ आ गया था। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और मैंने वर्क को उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही मुझे यूं लगा जैसे मेरे हाथ में आग लग गई हो। इतनी शदीद तपिश और जलन थी जैसे जहन्नुम की आग को छू लिया हो।
मैं घबरा कर पीछे हट गया। इतने में हवा का एक झोंका आया और कलामी मुकद्दस का वो वर्क हवा में उड़ गया। मेरे हाथ में अब भी शदीद जलन थी और मुझे यूं लग रहा था जैसे मैंने दहकता हुआ कोयला छू लिया हो। मैं कर्ब के आलम में अपना हाथ पकड़े खड़ा था। कलामे पाक का वर्क उड़ कर कहीं से कहीं चला गया था। इस बात ने दिल पर शदीद दबाव डाला। मुझे यूं लगा जैसे मुझे बताया गया है कि मैं अपना मकाम खो चुका हूँ और इस आयत मुकद्दस को छूने के काबिल नहीं रहा हूँ। आंखों में आंसुओं की नमी आ गई। अब क्या करूँ, मेरा तो कसूर नहीं था, लेकिन दिल को शदीद सदमा हुआ। दिलो दिमाग सख्त इज़्तिराब का शिकार हो गए। सोचने समझने की कुव्वतें जैसे सलब हो गई थी, जहन पर दबाव शदीद तरीन हो गया था और मुझे यूं लगता जैसे दिमाग की रगें फट जाएंगी। और फिर मुझ पर बेहोशी तारी हो गई और मैं वहीं गिर पड़ा। फिर जिस जगह जागा वो एक खूबसूरत घर था। मैं एक बिस्तर पर था और मेरे बिस्तर के बराबर एक बड़ी खिड़की खुली हुई थी जिसके दूसरी तरफ का मंजर खुला नजर आ रहा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और बादलों के नीचे एक खूबसूरत बागीचा फैला हुआ था। दूर एक लकड़ी के पुराने तर्ज का फाटक नजर आ रहा था। बागीचे में खूबसूरत दरख्त झूम रहे थे। दरमियान में एक रविश थी जो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर दो शोख सी लड़कियां अंदर दाखिल हुई। बिल्कुल जवान थी और जवानी लाजमी तौर पर खूबसूरत होती है, इस लिहाज से वो खूबसूरत थी। इनमें से एक ने आंखें मटकाकर शोख लहजे में कहा, अब उठ भी जाइए महाराज, बादल छलकने को तैयार है। स्नान कर लें, नाश्ता तैयार है। दूसरी बोली, कपड़े बदलेंगे आप? लो, ये भी कोई पूछने की बात है। वो बातें करती रही, मैंने जहन को आज़ाद छोड़ दिया था। दिमाग दुख रहा था, इस वक्त किसी बात पर गौर करने को दिल नहीं चाह रहा था। वो जो कुछ कहती रही मैं करता रहा। गुसल किया, दूसरा लिबास पहना, फिर नाश्ता किया। किसी बात पर मैंने तारुज नहीं किया था। तबीयत काफ़ी हल्की हल्की लग रही थी। मैंने खुद को बहलाना चाह रहा था। ज़रा सी सोचे उजागर हुई तो दिल टूटने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। इन दोनों लड़कियों में से मैंने उनके नाम ही नहीं पूछे थे, लेकिन वो मुझसे काफ़ी बेतकल्लुफ हो गई थी। पूरा दिन गुजर गया, मैं उसे बेकैफ नहीं कह सकता था। उन दोनों ने मुझे बोर नहीं होने दिया था। वैसे मैं जहनी तौर पर हाजिर था, मुझे सब कुछ याद था, लेकिन उसे खुद पर मुसल्लत करने को दिल नहीं चाह रहा था। गोया खुद को भुलाने की सी कैफियत थी। याद करता तो दिल बैठने लगता था। इतना जरूर जानता था कि ये सब पुजारी और बंसीराज का किया खड़ा था। वो लोग मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए ये सब कर रहे थे और मैं एक तरह से बेबस हो गया था। खास तौर से कलामे पाक के उस बर्फ वाले वाकये ने मुझे बहुत दुखी कर दिया था, लेकिन मैं ऐसी कोई बात जहन में नहीं लाना चाहता था जो मुझसे मेरा बचा कुचा ईमान ही छीन ले। पूरा दिन गुजर गया। बादलों ने सारा दिन आसमान पर गश्त किया था और मौसम बेहद हसीन रहा था। इस इमारत में मर्द भी थे और दो तीन मजीद औरतें भी। शाम को बागीचे में कुर्सियां लगा दी गई और वहीं मेरे लिए चाय का बंदोबस्त किया गया। फिर एक कार इमारत में दाखिल हुई और मेरी नजरें उस तरफ उठ गईं। कार थोड़े फासले पर आकर रुक गई। पिछला दरवाजा खुला और इससे कोई नीचे उतरा। गोल्डन कलर की इंतहाई कीमती झिलमिल करती साड़ी में मलबूज एक औरत नीचे उतरी और मैं उसे देखने लगा। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा और अचानक मेरे हवास पर एक बिजली सी गिरी। ये औरत, ये चेहरा, ओह मेरे खुदा, नाकाबिल यकीन था। ये गंगा सरी थी, हीरा लाल की बेटी गंगा सरी, जिसे मामून खान ने पामाल किया था और उसने खुदकुशी कर ली थी। और वो जो मेरे खानदान की दुश्मन थी और मेरे आधे खानदान को हलाक कर चुकी थी, ये वही गंगा सरी थी। एक रूह, एक गंदी आत्मा, लेकिन बड़ी शान से वो मेरी तरफ आ रही थी। गंदी आत्माओं का गोरख धंधा, मैं उसे देखकर शदीद हैरान था। बंसीराज केदारी खुद को आशीष परलोकता का दासी कहते थे। वो मुझे काली देवी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे और मैं उन्हीं के कब्जे में था। और अब ये गंगा सरी, ये तो खालिस काली देवी का ग्रुप से थी, ये यहाँ कैसे? कमाल की बात थी। वो मेरे करीब पहुँच गई और फिर वो बड़े दिलरुबा अंदाज में मुस्कुराई और बोली, कैसे हैं अशरफ खान महाराज? जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ। तुमसे भारी दुश्मनी है मेरी, अगर ना होती तो? उसने धुंधला अधूरा छोड़ दिया। दुश्मनी निकालने आई हो? नहीं, खास तौर से दोस्ती करने आई हूँ। खास तौर से क्यों? तुमने मेरा राम स्वरूप मुझे दे दिया, वो बोली और मैं चौंक पड़ा। मुझे राम स्वरूप याद आ गया जो इसका महबूब था और जिसका ढांचा मैंने पुरानी हवेली की तहखाने से निकाला था। मुझे याद था कि ये हमेशा मुझसे दो ही बातें करती थी, मेरा स्वरूप तलाश कर दो, मेरा जेवर मुझे दे दो। और बिल्कुल इत्तेफाकिया तौर पर राम स्वरूप मुझे मिल गया था। खुद उसने भी मेरा शुक्रिया अदा किया था। राम स्वरूप तुम्हारे पास पहुँच गया? मैंने पूछा। हाँ, तुम्हारी मेहरबानी से। चलो अच्छी बात है। वैसे तुम जानती हो गंगा सरी कि तुम्हारा मुजरिम मैं नहीं था। मामून खान बेशक मेरे दादा थे, लेकिन मेरा कसूर ये था कि मैं उनका हमशक्ल था। बस खराबी ये थी कि तुम उस पापी के परिवार के थे। कहाँ है राम स्वरूप? आराम कर रहा है।
अब तुम ये बताओ कि तुम मेरे पास कैसे आई हो? खेल बदल गया है। कैसा खेल? बताती हूँ, उसने कहा और सोच में डूब गई। लेकिन मेरे जहन में ना जाने क्या क्या आने लगा था। कैसी अजीब बात है, आज भी लोग भूत प्रेत के नाम से कांपते हैं, गंदी रूहों की कहानियां आम हैं, जादू टोनों तावीज गंडों के खेल अलग होते हैं, वीरान खंडरात और पुरानी इमारतों के करीब से भी लोग गुजरने से कतराते हैं, सड़कों पर जादूगरी होती है, काले जादू के तोड़ और जोड़ के माहिर लाखों कमाते हैं, नापाक रूहों का तसव्वुर आज भी पूरी आबोताब से जिंदा है। दादी अम्माएं लड़कियों वालियों को खुले बाल छतों पर जाने से मना करती हैं कि कहीं कोई साया ना चिमट जाए। खौफनाक कहानियों की तस्वीरें बनाने वाले मुसव्विर बदरूहों की भयानक तस्वीरों में लंबे दांत और खून में डूबे चेहरे सर पर सीन जैसी तस्वीर बनाते हैं। उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली, जबकि गंदी रूहों ने अपनी सोच बदल दी है। वो भी वक्त के साथ बदल गई हैं। अब वो वीरान खंडरात में रहने की बजाय घरों कोठियों में रहती हैं, कारों में घूमती हैं। क्या ख्याल है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नापाक और गंदी रूहों की बात कर रहा हूँ, और इस वक्त जो गंदी रूह मेरे साथ बैठी थी, देखने से ताल्लुक रखती थी। इसने जो साड़ी बांधी हुई थी वो कम अज कम 2 लाख रुपए से कम की नहीं होगी, और इसने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो बिल्कुल नकली नहीं बल्कि असली सोने की और बेहद नफीस मैचिंग थी। बस ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आजकल ये गंदी रूहें खुशहाल हैं, जिंदा लोग तो बेचारे मुर्दा ही नजर आते हैं। गंगा सरी ने कहा, आत्माओं की सियासत भी बदल गई है, काल मंडल में नए नए पंथ जन्म ले रहे हैं। जिस तरह साइंस तरक्की कर रही है, इस तरह आत्मा भवन में भी नए नए काम हो रहे हैं। पहले भी 2-3 पंथ जीवित थे, काली पंथ, गुरु शक्ति और दुर्गा शक्ति, आशीष परलोकता। अब यूं हुआ कि जीते जागते इंसानों ने भी आत्माओं की शक्ति हासिल करना शुरू कर दी है। वो आत्मा शक्ति को अपनी उठी में लेकर आत्माओं पर हुक्मरानी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे तुम्हारे धर्म के आलिम जिन्हों और भूतों को मंत्र पढ़कर कब्जे में करते हैं, इसी तरह आत्माओं के शिकारी नए जाल लेकर निकल पड़े हैं और बड़े बड़े अंधेर मचा रहे हैं। बड़े मजेदार जुमले थे, मुझे हंसी आने लगी, लेकिन मैं संजीदा रहा और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। ना सिर्फ काल धर्म बल्कि आशीष परलोकता भी दुविधा में पड़ गया है कि इसकी तफसील तुम्हें बाद में पता चल जाएगी। ठीक, आगे कहो। आरजी तौर पर महाकाली कुंडल और आशीष परलोक ने आपस में समझौता कर लिया है, ये दोनों मिलकर एक तीसरे दुश्मन के खिलाफ काम करेंगे और इसमें तुम पेश पेश हो गए खान साहब। अब मैं हसीना रोक सकूंगा, मैंने कहा। क्यों? ले दे के तुम्हारी तान मुझ पर टूटती है, मैं क्यों पेश पेश होऊंगा तुम्हारे पंथ में? और कोई इस काबिल नहीं है? इसमें एक राज है। क्या राज है? राज बताए नहीं जाते। खैर, मुझे इतनी दिलचस्पी भी नहीं है। ऐसा मत कहो, तुम्हें सच्चे मन से हमारे लिए काम करना होगा। तुम्हें राजक्रोधिनी के हुक्म पर हर वो चीजें इस्तेमाल करा दी गई हैं जिनसे तुम्हारा धर्म तो तुमसे छिन गया। अब वो करो जो आशीष परलोकता या काली धर्म के लोग तुमसे कहें। वेरी गुड, और मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैंने कहा। माननी पड़ेगी, एक मनुष्य का जीवन लेना हमारे काले धर्म में कोई हैसियत नहीं रखता। महाकाली के चरणों में संसार भर में बेशुमार इंसानों की बलि दी जाती है, तुम्हें भी बकरी के बच्चे की तरह उसके चरणों में ज़बह किया जा सकता है। लेकिन तुम खुश नसीब हो कि मैं और संकट हो, बहुत से जादू का तोड़ तुम्हारे शरीर में है। ये शक्ति उन लोगों में होती है जो चांद ग्रहण के साए में जन्म लेते हैं। खुले आसमान के नीचे ऐसे लोग लाखों करोड़ों में एक होते हैं, और सारे पंथ इन्हें साथ रखना चाहते हैं। बस इसलिए कोई पंथ तुम्हारा जीवन नहीं लेना चाहता। तुम्हें याद नहीं तुम्हारी हवेली में हमारे बदले की आग फैली हुई थी? इस आग को क्यों रोका गया? क्यों रोका गया? क्योंकि जमुना दास ने एक जाप करते हुए बताया था कि तुम मेरे संकट हो। जमुना दास कौन? मैंने चौंक कर पूछा। वही जो तुम्हारा ससुर था, मनिका का बाप। हाँ, बड़ी याद आती है मनिका, गंगा सरी ने तंजिया लहजे में कहा। मुझे उसके बारे में बता सकती हो? जीवत है कलंकनी, गंगा सरी ने जले कुटे लहजे में कहा, और मेरे अंदर खुशी की लहर फूट पड़ी। मैंने मुसरत भरे लहजे में कहा, वो जिंदा है? हाँ, कहा ना जीवत है। कहाँ है वो? मेरी जेब में रखी है, लोगे? बताओगी नहीं इसके बारे में? इन दोनों को तो जलाकर खत्म कर दिया गया था दुर्गा पंथ के लिए, और ये काम भी तुम्हारे चचा ने किया था, फरीद खान ने। हाँ, तो फिर वो बच गए? हाँ, जमुना दास भी बड़ा शक्तिमान है, उसने वो जगह छोड़ दी। चाहता तो ईंट से ईंट बजा सकता था फरीद खान की हवेली की, मगर वो दूसरे संस्कार रखता है। वो है कहाँ, जानना चाहते हो उसके बारे में? अचानक गंगा सरी मुस्कुरा दी। हाँ, तो सौदा कर लो, उसने कहा, और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। वो कैसे? खुलकर हमारे साथी बन जाओ, हम तुम्हें एक मौका देंगे। मनिका पसंद है तुम्हें, आगे बको, मैंने सर्द लहजे में कहा। इसमें जमुना दास की जान है, अपनी बेटी के लिए जी रहा है वो। फिर
वो दुर्गा पंथ में है और बड़ा शक्तिमान है, उसे काली पिंथ में ले आओ, तुम्हें मनिका मिल जाएगी, गंगा सिरी ने कहा। और मैं उसे घूरने लगा। अचानक एक ख्याल मेरे दिल में कौंधा, मैंने फौरन कहा, एक और सौदा कर सकता हूँ मैं गंगा सिरी? बोलो। उसने उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखा। फरीद खान काली पंथ में है? हाँ, कह लो। कह लो क्या मतलब, वो तो खुलकर अपने दीन ईमान का सौदा कर चुका है। किसी भी पंथ को उस पर एतमाद नहीं है, वो मफाद परस्त है, मफाद पर दूसरी तरफ लुढ़क जाता है, सिर्फ अपने मतलब की बात करता है, बहुत लालची है और किसी से मुखलिस नहीं है। खैर, मगर तुम जो कहना चाहते हो कहो। मेरी माँ उसके कब्जे में है। हाँ, मुझे मालूम है, उसे आज़ादी दिला दो, तुम हमारे साथी बन जाओगे अगर माँ मिल गई। उस पापी के मन की बात हमें मालूम है, उसने तुम्हारी जायदाद पर कब्जा करने के लिए तुम्हारी माँ को कैद कर रखा है। वो सिर्फ इस शर्त पर तैयार होगा कि तुम माँ बेटे सारी जायदाद उसके नाम कर दो। मुझे इल्म हुआ है कि इसके बाद वो हम दोनों को कत्ल कर देगा। अगर तुम काली पंथ में सच्चे मन से शामिल हो जाओ तो वो तुम्हें नहीं मार सकेगा। हाँ, तुम्हारी माँ के बारे में नहीं कह सकती, ना ही हम उसे मजबूर कर सकते हैं। वैसे तुम कहो तो कोशिश की जाती है। तुम कोशिश करो, मेरी माँ को मेरे सामने ले आओ, शायद मैं तुम्हारी बात मान लूँ। ठीक है, हम जल्द ही दूसरी मुलाकात करेंगे, उसने कहा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। मैं इसे जाते हुए देखता रहा। बहुत से सवाल छोड़ गई थी, रूहों की सियासत, मरने के बाद भी एक खेल शुरू हो गया, लेकिन मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। गलीज रूही ही मौत के बाद भटकती रहती हैं, या फिर ये जादू वगैरह के खेल, मेरे दिन में रूहों का ये तसव्वुर नहीं है। दिल को एक धक्का सा लगा। मैं क्या रह गया हूँ, मुझे क्यों रान दरगाह कर दिया गया है? मैंने अपने दीन के खिलाफ हर पेशकश को ठुकरा दिया है, मुझे तो धोखे से नापाक किया गया है, मुझसे तो धोखे से मेरा ईमान छीना गया। मेरा कसूर तो नहीं था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब मैं नापाक हो चुका हूँ, मैं मुकद्दस आयात को छूने के काबिल नहीं रहा हूँ। दूसरी बात ये खुशखबरी थी कि मनिका और जमुना लाल जी जिंदा हैं, ये खुशी की बात थी, शायद कभी उनसे भी मुलाकात हो जाए। ना जाने कितनी देर में सोचता रहा था, फैसले करता रहा था, और फिर मैंने एक गहरी सांस ली। मैं एक फैसले पर पहुंच गया था, बुराई के जवाब में बुराई, चालाकी के जवाब में चालाकी। केदारी झेपता झेपता मेरे सामने आया था। जय आशीष परलोकता महाराज, उसने कहा, दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए। मैं हंस पड़ा तो वो हैरत से मुझे देखने लगा। हंसे क्यों महाराज, उसने कहा। बस ऐसे ही दुश्मन दोस्त बन गए, ये खबर मुझे गंगासरी ने दी है, हालांकि मैं तुम्हारा मेहमान था। बस महाराज, अब लोक परलोक में भी संसार की सियासत जा घुसी है, गंगासरी ने यह भी बता दिया होगा कि हम तीसरे दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं। नहीं, मुझे इस तीसरे दुश्मन के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपने अपना नाम शक्ति आनंद तो स्वीकार कर लिया है? नहीं, मैंने गंगासरी से अपनी कुछ शर्तें बताई हैं, मैं इन शर्तों का जवाब लाया हूँ। तुम? हाँ, गंगासरी क्यों नहीं, वो कहती है तुम इसकी बात नहीं मानोगे। हम अगर खुद ही इसके बारे में फैसला करें, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। कहो। कुछ बंदूकें दूसरों के कंधे पर रखकर चलाई जाती हैं, लेकिन हथियार हमेशा अपने हाथों में, अपने बस में हो तो ज्यादा मजा आता है। वाह वाह, हजारों बार की घिसी पिटी बात कही तुमने, कैसी ही हो, लेकिन है सोना आने खरी, तुम खुद बड़ी शक्ति मिल रही है, किसकी मजाल होगी जो तुम्हारे सामने टिके। अब बात तुम्हारे कानों तक पहुंच गई है तो मुझे भी बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। तुम म्योर संकट हो, म्योर संकट काले ज्ञान की आखिरी मंजिल तक पहुंच सकता है। म्योर संकट वो होता है जो पूरे चांद ग्रहण में खुले आसमान के नीचे पैदा होता है। चांद ग्रहण काले इन वालों के लिए बड़ी अहमियत रखता है, पर म्योर संकट जादू का वरदान है। चलो छोड़ो इन बातों को, अब बताओ क्या चाहते हो। मेरे चाहने से क्या होगा? क्यों मतलब? वो बोला, मतलब तुम जानते हो, तुम लोगों ने धोखे से मुझे ना जाने क्या पिलाया है। अच्छा खैर, तुम मुझे बताओ, तुमने अपने पंथ छोड़कर आपस में इत्तेहाद क्यों किया है, जबकि कुछ ही वक्त पहले तुम पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ थे। चंद्रकांता फिर से जाग गई है। ये कौन है? वो पापन सदियों पुरानी आत्मा है, जन्म जन्म की आग में सुलग रही है। अगर संसार के सारे काले जादू वाले इसके खिलाफ ना हो जाते तो इस वक्त उसका जादू सबसे बड़ा होता, कामिल देवी इसके सामने ना होती। मगर ये इस समय करने की बात नहीं है। मुझे क्या करना है? तुम एक तरफ की बात करो तो मैं बात आगे करूँ। मैंने कब मना किया है? मैंने अपने नए मंसूबे के तहत कहा। क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, मैंने कहा, और वो खुशी से उछल पड़ा। अब मुझे ये बताओ मुझे करना क्या है। बस महाराज, आपको थोड़े दिनों की सीख दी जाएगी और उसके बाद आपको बांदीपुर जाना होगा। हाँ, आप तिलक राम पांडे जी से मिलेंगे। पांडे जी के बाप दादा राजा थे, बांदीपुर इनकी राजधानी थी।
लेकिन अंग्रेजों ने उनसे उनकी रियासत छीन ली, उनके राजा का खिताब भी छीन लिया गया। बस अब इन्हें एक भारी वजीफा मिलता है। बांडे जी बड़े दिल वाले हैं, आज भी उनकी राजा वाली शान नहीं गई। एक माहिर शिकारी हैं और हमेशा दरिंदों का शिकार करते हैं। बहुत सी कहानियां मशहूर हैं उनके बारे में। सुना है शिकार की आड़ में उन्होंने कई अंग्रेज शिकार कर डाले, जिनके बारे में उन्हें मालूम था कि वो इन दुश्मनों में शामिल थे जिन्होंने बांदीपुर उनके पुत्रों से छीना था। अरे वाह, फिर तो वो मज़े की चीज़ होंगे, मैंने खुश होकर कहा। आपको वहाँ जाकर मज़ा आ जाएगा, बड़े दिल लगी वाले लोग हैं। सबसे अहम बात यह है कि शिकारियों की बड़ी इज्जत करते हैं। आपको एक बड़े शिकारी के तौर पर वहाँ जाना होगा। शिकारी के तौर पर? मैं हंस पड़ा, फिर बोला, मैंने तो सिर्फ मछलियों का शिकार किया है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं मारी। क्यों महाराज, है तो आप भी नवाबी ख़ानदान से, तो फिर मतलब ये कि रईसों और नवाबों का तो शौक ही सैर शिकार होता है। फिर आपसे दादाजी मामून खान तो बहुत बड़े जागीरदार थे, वो शिकारी भी थे, मैंने कहा। यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो खूबसूरत लड़कियों का शिकार खेलते थे और सारा बिगाड़ इसी वजह से पैदा हुआ, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। ओ हाँ, हीरा लाल मुझे बता चुका है, उन्होंने उसकी बेटी मार दी थी। खैर, तो मैं कह रहा था कि वो शिकारियों की बड़ी इज्जत करते थे और आप एक शिकारी की तरह उनके पास जाएंगे और आपको एक बड़ा शिकारी बनने की सीख दी जाएगी। यानी मुझे निशानाबाज की मशक कराई जाएगी? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर बस एक फूंक मारी जाएगी और आपका निशाना जीवन भर खाली नहीं जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान तरीका है, मैंने दिलचस्पी से कहा। मेरी ये दिलचस्पी जाली नहीं थी, मैं जिस जमूत का शिकार था वो मेरी जान लिए ले रहा था। पाकिस्तान छोड़कर बस स्मगल का शिकार होकर यहाँ हिंदुस्तान में आ गुजरा था और एक बेगुनाह मुजरिम बन गया था, लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था और ये लोग इसी बिना पर मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। किस सोच में पड़ गए महाराज, केदारी ने पूछा। कुछ नहीं, मैं तुम्हारे कहने पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, विजय अशेष परलोकता। तो फिर आपका नाम ठीक है, मेरा मतलब है शक्ति आनंद, केदारी ने खुश होकर कहा। तुम मेरा नाम धोबी का गधा भी रख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, मैंने आहिस्ता से कहा। आपकी ये बेजारी बेवक्त है, बांदीपुर जाएंगे तो आत्मा खुश हो जाएगी। खास तौर से मैं आपको जीवती राय के बारे में खबर देता हूँ, वहाँ आपको वो मिलेंगे। जीवती राय, ये कौन श्रीमती हैं? बस आप देखकर ही अंदाजा होगा, वो आपके मन को मुट्ठी में ले लेंगे और उन्हीं की मदद से आपको सारे काम करने होंगे। हमारे गिर्द जो दुश्मन आत्माएं फैल गई हैं, उनकी सरबराह चंद्रकांता है। आपको काली देवी और राजक्रोधनी के लिए इसके खिलाफ काम करना है और इसका आगाज महाराज बांडे की हवेली से होगा। चलो ठीक है, अब मुझे क्या करना है? बस थोड़ी सी कारीगरी सीखनी है आपको। ठीक है, मैंने कहा। तन्हाई में सोचो के सिवा और क्या था, जिन हालात से वास्ता पड़ा था उनमें सबसे बड़े तुक का पहलू ये था कि माँ फरीद खान के चुंगल में अभी तक फंसी हुई थी और फरीद खान का किरदार सबसे अजीब था। बदबख्त ईमान खो चुका था, मगर क्या मिला था उसे, अपनी शैतनत के जरिए वो जायदाद तक पर काबू नहीं पाया जा सकता था और इससे ज़्यादा बदनसीब और कौन हो सकता था। वही बात के कदर ही मिला कि बिसाले सनम जहन्नम तैयार करने अपने लिए। मेरी बात और थी, अल्लाह जानता था कि मैं अब तक दिल से इस नापाक जादूगरों को कबूल नहीं कर सका था। मेरे दिल में आज भी यही ख्याल था कि माँ मिल जाए तो कोई गोशा अपना लो, हर चीज़ पर लानत भेज दो, बस फरीद खान से मिलकर इसकी मांग भी पूरी कर देता और जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर देता। लेकिन फरीद खान, जिसके लिए मेरे दिल से तसव्वुर तक निकल गया था कि वो मेरा चचा है, इसके बारे में बता दिया गया था कि कागजात की तकमील के बाद वो हमें एक लम्हे के लिए जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे एक बिल्कुल नई और बेहद वसी इमारत में पहुँचा दिया गया। यहाँ बहुत से लोग मौजूद थे, मेरे लिए बहुत आला दर्जे की बंदूकें रखी गई और मुझे इनका इस्तेमाल सिखाया जाने लगा। अपनी निशानाबाजी पर मुझे खुद हैरत हुई थी कि केदारी कई बार मेरे पास आया था और इसने हंसते हुए कहा था, आपको पता है शक्ति आनंद राजकुमार कि आप कितने हॉर्स पावर के हैं? क्या बकवास है, नए दौर में ताकत का अंदाजा घोड़ों की ताकत से ही लगाया जाता है। मैं नहीं समझा। आपने अपना निशाना देखा है, वो बोला। हाँ, मगर वो मेरा कहाँ है, तो मुझे बता चुके हो कि वो पोशीदा आत्माओं की शक्ति है। इसी तरह पोशीदा आत्माएं आपके शरीर की शक्ति भी बन गई हैं। अगर शेर भी आपके सामने आ जाए तो आप उसकी टांगें चीर कर फेंक सकते हैं। बकवास कर रहे हो, मैंने फीकी सी हंसी हंसकर कहा। अब तजुर्बा तो करा नहीं सकता, मेरी बात ही मान ले तो कृपा होगी, केदारी ने हंसकर कहा। बाद में भी हंसकर खामोश हो गया, लेकिन इस दौरान छोटे मोटे वाकयात से मुझे ये अंदाजा हो गया था कि मेरे बदन में बेपनाह कुव्वत आ गई है। बहुत सी ख्वाहिशें मेरे दिल में भी पैदा हुई थी। मनिका की जिंदगी की खबर भी मिल चुकी थी। दिल चाहता था कि इससे मुलाकात करूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि वो दुर्गा पंथ से थी और दुर्गा पंथ उन लोगों का नापसंदीदा पंथ था। बिला वजह इसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी।
केदारी अक्सर मेरे पास आता रहता था और बताता था कि अब मेरी रवानगी के सिलसिले में क्या हो रहा है। तिलकराम बांडे के बारे में उसने कहा था, बांडे एक जुनूनी शिकारी है, इसका ज्यादा वक्त जंगलों में शिकार करते गुजरता है। एक शिकारी की हैसियत से बांडे का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजता है, लेकिन इन दिनों एक नए नाम की बड़ी जय जयकार हो रही है। किस सिलसिले में? शिकारी के सिलसिले में। कोई और शिकारी है और इसका नाम पता क्या है? मुझे क्या पता, मैंने सादगी से कहा। शक्ति आनंद, केदारी ने कहा। क्या, ये तो तुमने मेरा नाम भी रखा है। इस नाम की जय जयकार हो रही है, शिकारियों के टोले जंगलों में से तलाश करते फिर रहे हैं। इसके शिकार की कहानियां तो खौफनाक जंगलों के किनारे आबाद बस्तियों में मिल जाती हैं, वो खुद नहीं मिलता। मगर वो है कौन? शक्ति आनंद, केदारी ने मस्खरेपन से कहा। मैंने इसे घूरा तो वो जल्दी से बोला, आप महाराज, आप ओह, बहुत बड़ा जाल फैलाया है तुम लोगों ने। शिकार भी इतना ही खतरनाक है महाराज, यानी चंद्रकांता। हाँ शक्ति आनंद जी, जूं जूं आप हमें शामिल होते जाएंगे, आप पर बहुत से भेद खुलते जाएंगे। चंद्रकांता इस समय तमाम पंथ वालों के लिए भयंकर रोग नहीं हुई है, इतने नुकसान पहुंचाए हैं उसने सबको के ना पूछो, इसीलिए सारे पंथ इकट्ठे हो गए हैं। इस बात से समझो कि आप पर कितना बड़ा भरोसा किया गया है और आपको कितना बड़ा काम करना होगा। और अगर मैं ना करूं तो? मैंने मुस्कुराकर कहा और केदारी संजीदा हो गया, फिर बोला, देखो महाराज, संसार में सारे काम हो ही जाते हैं, लेकिन ये बात आप खुद ही समझ लें कि आपको इसके बदले में कितनी बड़ी शक्ति मिल रही है। फरीद खान आपकी माँ को साथ लेकर खुद आपके चरणों में आएगा और अपने जीने की भीख मांगेगा। मैं खामोश हो गया। माँ के नाम के साथ ही मेरी सारी शोकी खत्म हो जाती थी और बाद में खुद को दुनिया का सबसे नाकाम इंसान समझने लगता था, जो अपनी माँ को एक दुश्मन के चुंगल से निकालने में नाकाम रहा था। एक और मुलाकात में मैंने केदारी से पूछा, मुझे कब तक रवाना होना है? केदारी, मैं आज तुम्हारे पास इसी काम से आया हूँ। बताओ। कुछ सवालात हैं शक्ति जी, अगर आपको किसी खतरनाक दरिंदों भरे जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या आप पूरे भरोसे के साथ शिकार कर सकते हैं? मैं नहीं जानता। नहीं, मेरा मतलब है आप खौफजदा तो नहीं होंगे? शायद नहीं, गंगासरी का यही कहना है। गंगासरी का? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, वही तुम्हारी निगरानी करती रही है। असल में खुद भी तुम्हारी बस्ती गुज्जर घाट की रहने वाली है और तुम्हें खूब जानती है। मुझे एक बात बताओ केदारी, तुम पूछो, ये क्या अलग फेर है? गंगासरी तो एक आत्मा है, वो तो अब इस संसार की बासी नहीं है। चंद्रकांता जो कुछ भी है, गंगासरी को भला इससे क्या नुकसान पहुंचेगा? फिर वो क्यों इस काम से इतनी दिलचस्पी ले रही है? ये सब जादू के खेल है महाराज, कौन क्या कर रहा है कौन जाने, हम इस पर गौर नहीं करते। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, लेकिन अगर तुम नहीं बताना चाहते तो खामोश हुआ जाता हूँ। लेकिन एक सवाल मुझे मुसलसल परेशान कर रहा है, मैंने कहा और केदारी खुद परेशान हो गया, फिर बोला, जो मर्तबा आपको काली धर्म में मिल चुका है वो बहुत बड़ा है और सबको हुक्म है कि आपको परेशान ना रहने दिया जाए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा काम करना है। आप क्यों परेशान हैं महाराज? आखिर ये चंद्रकांता कौन है? काली देवी तो तुम्हारे धर्म में जादू की सबसे बड़ी ताकत समझी जाती है, इसके नाम से काले जादू का नाम है, फिर ये चंद्रकांता कौन है जिसके सारे काले धर्म खौफजदा हो गए हैं? केदारी ने सर झुका लिया। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, वो बोला। क्यों? इस सवाल का जवाब खुद समय तुम्हें देगा। हाँ, अगर तुम हमारे धर्म की होते और वेद, ब्रह्मा, गीता और रामायण तुमने पढ़ी होती तो तुम्हें खुद इस सवाल का जवाब मालूम होता। मैं खामोश हो गया, मैंने दोबारा इस बारे में पूछने की कोशिश नहीं की थी। मेरे साथ काम जारी था, मुझे हिंदुस्तान में बिखरे हुए जंगलों के बारे में तफसीलात बताई जा रही थी। ये बड़े नामी गिरामी जंगल थे। मुझे बताया गया था कि तिलकराम बांडे शिकारियों की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और यूरोप के अंग्रेज शिकारी इसकी बड़ी इज्जत करते हैं। गर्ज ये कि मेरी जिंदगी में एक नया खेल शुरू हो गया था। ये खेल इस लिहाज से बेहद सनसनीखेज था कि खौफनाक काली देवी का मुकाबला चंद्रकांता से था और उसके लिए तमाम काले कबीले जंगल में शरीक हो गए थे और मुझे इस काली फौजों का सालार बना दिया गया था। मुझे तिलकराम बांडे के बारे में पूरी तफसील बता दी गई थी। ये भी बता दिया गया था कि चंद्रकांता भी इसके पास मौजूद है। एक और किरदार का नाम भी खास तौर पर लिया गया था, ये था जीवनी राय। इसके बारे में बताया गया था कि वो बांडे की बहन है जिसे बांडे बहुत चाहता है और इस हवेली में इसकी बड़ी हैसियत है। कई दिन के बाद इंतजार खत्म हुआ, उसकी खबर भी मुझे केदारी ने ही दी थी। बस महाराज, आपका रवाना होने का समय आ गया है, उसके लिए एक मंसूबा बना लिया गया है और उसकी तैयारी पूरी हो गई है। क्या मंसूबा है? आप सोना कुमारी के जंगलात में इससे मिलेंगे, आपकी मुलाकात शिकार के दौरान होगी। इस समय आपके साथ दो शिकारी होंगे। वो कौन है? मैंने पूछा।
पैदा किए गए हैं आपके लिए। एक इलाका है दरियागंज, वहाँ के जागीरदार बनाए गए हैं और वही सपोर्ट करेंगे आपको। इसके बाद जरूरी हुआ तो इन्हें आपसे अलग कर दिया जाएगा, लेकिन ये इस समय होगा जब आपको तिलक राम बांडे का साथ हासिल हो जाएगा। केदारी ने मुझे बहुत सी जरूरी बातें बताई। उसके जाने के बाद मैं इसकी बातों पर गौर करने लगा। मुझे एक दिलचस्पी का एहसास हुआ था। हालांकि सब कुछ हालात की वजह से हो रहा था, खेल कहाँ से बिगड़ा था और कहाँ तक पहुँच गया था। मैं गुज्जर घाट के एक जमींदार खानदान का फर्द था। दादा अबू रिवायती जमींदार थे, जालिम, ओबाश, दूसरों की बहू बेटियों पर निगाह रखने वाले। इनकी मकारियाँ इसने एक नाम मलखान खानदान को ले डूबी। बहुत से मारे गए और बहुत से जिंदा दरेगोर हुए, और अब मैं जो कटी पतंग की तरह डोल रहा हूँ, इन नापाक कुवतों के हाथों में खेल रहा हूँ। सांप के मुंह में छतुंदर रखी हुई है, निगली ना जाए, उगली ना जाए। और अब एक नया काम शुरू हो रहा है जो मेरे लिए तो बेमानी है, लेकिन ये गंदे उलूम के नेवले इसके बारे में बड़े जज्बाती हैं। तैयारियां मुकम्मल हो गईं और मुझे इस नापाक मुहिम पर रवाना कर दिया गया। मैं शिकारी शक्ति आनंद की हैसियत से जंगलों में रोशनास होने जा रहा था। मुझे बहुत ही आला राइफल दी गई थी, जिस पर मैं निशानाबाजी के ऐसे कमालात दिखा सकता था कि अकल दंग रह जाए। हम बांदीपुर के हदूद में निकल आए। फिर उसकी सरहदें बहुत पीछे रह गईं। जिन शिकारियों को मेरे साथ किया गया था वो दरमियानी उम्र के लेकिन काफी चाकू चौबंद थे। इनमें से एक का नाम सिंह सिंह था, दूसरे का गोवंद चाड़ी। दोनों काफी खुश मिजाज भी थे। पड़ाव की पहली रात हमारा तफसीली तारुफ हुआ। अपने बारे में बताओ सिंह सिंह। राणा सांगा के संतान में से हूँ महाराज। पिताजी इसकी फौज के अफसर थे, बड़े बहादुर माने जाते थे। समय बदलता गया, हम बहुत से भाई थे। मुझे शिकार का शौक था। पहले एक रईस ज़ादे की हैसियत से शिकार खेलता रहा, और जब बुरा समय आ गया तो पेशावर शिकारी बन गया। गोरों को शिकार खिलाने लगा और उसी से रोजी बना लिया। बंसीराज और केदारी से क्या ताल्लुक है? राज कृतनी का दासी हूँ, आशीष पर लोकतापन से ताल्लुक रखता हूँ। बंसीराज जी ने इसके बारे में बताया है और मैं उनकी आज्ञा पर आपके पास आ गया। मेरे बारे में क्या जानते हो? यही महाराज कि आप बहुत बड़े राजकुमार हैं, शिकार के रसिया। हमें आपके साथ रहना है और आपको तिलकराम बांडे जी तक पहुँचाना है। ओह, मुझे वहाँ क्यों पहुँचाना है? मैंने पूछा। ये हमें नहीं मालूम। और तुम गोवन चाड़ी? मैंने दूसरी शिकारी से पूछा। कुछ ऐसी ही कहानी मेरी है महाराज, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं काली पंथ से हूँ। मैं काली का दास, गोविंद ने जवाब दिया। अरे वाह, दो दुश्मन दो दोस्त, मैंने दिलचस्पी से कहा। इस बात का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जीपों का सफर जारी रहा। शिकारियों की ड्यूटी थी कि मुझे इसी अंदाज में बांदीपुर पहुँचाया जाए जिस तरह वो लोग चाहते हैं। मैंने हरी सिंह से पूछा, तिलक राम के बारे में मालूम है? वो इस वक्त कहाँ है? जंगलों में शिकार खेल रहा है। हमारा ये सफर कितना तवील है? अभी फासला है महाराज। कितना? काफ़ी ज़्यादा है। हमें घोड़ा पांडी पहुँचना है, इसके बाद जीपें छोड़नी पड़ेंगी। ओहो, क्यों? आगे घने जंगल शुरू हो जाते हैं जिनमें जीपें सफर तक नहीं कर सकती। फिर? नहीं महाराज, घोड़ों का इंतज़ाम है। ओह गुड, मैंने कहा। वाकई अब मुझे मज़ा आ रहा था। ये दोनों भी बहुत अच्छे थे, एहतराम करने वाले। हमारा ये सफर एक बस्ती पर ख़त्म हुआ। ये इन आबादियों की आखिरी बस्ती थी। ना जाने किस तरह हर जगह बंदोबस्त किया गया था। इस बस्ती के एक बड़े कुशादा घर में हमने रात गुजारी। वसी घर था जिसके बड़े बरामदे में काली का हैबतनाक जस्मा इस्तादा था। यहाँ आला पैमाने पर काली पूजा होती थी जिसके असरात नजर आ रहे थे। हैबतनाक मुजस्मे के पैरों के पास एक बड़ा सा कुंडल बना हुआ था जिसमें खून के थलथले जमा थे। यहाँ काली के चरणों में कुर्बानियाँ दी जाती थी। अब ये पता नहीं कि इंसानों की या जानवरों की। गोवन चाड़ी यहाँ आते ही काली के चरणों में बैठ गया था, जबकि श्री सिंह मुंह बनाकर एक तरफ उठ गया। बहुत से लोग आ जा रहे थे, कुछ पूजा के लिए और कुछ ऐसे ही दर्शन के लिए। मैं खामोशी से ये तमाशा देखता रहा। मैंने अपने जहन को आज़ाद छोड़ दिया था और इस पर कोई सोच नहीं आने दी थी। जो कुछ हो रहा था मजबूरी के आलम में हो रहा था और मैंने खुद को तकदीर के धारे पर छोड़ दिया था। दूसरी सुबह हमें यहाँ से आगे जाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ मैंने जो कुछ देखा था उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि ये सब काली के पुजारी हैं और इस लिहाज से हमारे साथ तावन हो रहा है। यहाँ हमारे लिए उम्दा घोड़ों का बंदोबस्त किया गया। तमाम तैयारियों के बाद जीपें ही छोड़ दी गई और हम इन शानदार घोड़ों पर बैठकर चल पड़े। ये जंगलों के सिरे की आखिरी बस्ती थी, इसलिए ज्यादा सफर नहीं करना पड़ा और कुछ देर के बाद हम जंगलों में दाखिल हो गए। बेहद खूबसूरत मनाजिर हमारे सफर में बिखरे हुए थे। काफी लंबा सफर किया गया, इसमें बड़ा मजा आया था। रास्ते में हमने कोई शिकार नहीं किया। आखिरकार हमने एक जगह पड़ाव किया और खाने पीने की तैयारियां करने लगे। जंगल में दाखिल होते ही जानवरों की भरमार नजर आई। दो बार चीते भी नजर आए और मैंने गोविंद से पूछा, यहाँ खतरनाक दरिंदे भी हैं? मैंने चीते देखे हैं।
सारे दरिंदे मौजूद हैं। ये जंगल हिंदुस्तान के बड़े जंगलों में से है। यहाँ हिंदुस्तान में और भी ऐसे जंगल हैं? हाँ, कई। जिस बस्ती से हम आए हैं वो इन जंगलों से ज़्यादा दूर तो नहीं है। जी महाराज, ये दरिंदे बस्ती वालों को नुकसान नहीं पहुँचाते। ये महाकाली स्थान है, काली महारानी इसकी हिफाजत करती है। अव्वल तो दरिंदे इस बस्ती में घुसते ही नहीं, और अगर कोई भूला भटका घुस भी आए तो किसी बकरी के बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुँचाता। गोविंद ने अकीदत से कहा। सफर करते हुए सारा दिन गुजर गया। हमारे दाएं तरफ खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले दूर दूर तक फैल गए थे। इनके दामन में पहाड़ी खच्चरों के काफिले घंटियां बजाते हुए सफर कर रहे थे। पहाड़ियों के दामन में एक बहुत बड़ा चौड़ा दरिया बह रहा था जो रवानी रखता था। अक्सर जानवर उसके किनारे पानी पीते नजर आ जाते थे। आखिरकार एक बस्ती के आसार नजर आए। झुकती हुई शाम के साए में बस्ती के कच्चे पक्के मकान बड़े अच्छे लग रहे थे। हरी सिंह ने बस्ती से दूर से भी कयाम के बारे में मुझसे इजाजत मांगी और मैंने गर्दन हिला दी। ये तुम्हारा काम है, जैसे मुनासिब समझो, मैंने कहा। कयाम का बंदोबस्त कर लिया गया। मौसम बेहद खुशगवार हो रहा था। आसमान पर गहरे काले बादल जमा होने लगे थे। ये खदशा था कि शायद बारिश हो जाए। बारिश से बचने के लिए भी माकूल इंतजाम कर लिया गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। जंगली जानवरों की भाग दौड़ हो रही थी और शिकारी मुहतात थे। रात के 2 बजे होंगे कि गोली चलने की आवाज सुनाई दी। हम इस वक्त नीम ख्वाबीदा कैफियत में थे, लेकिन गोली की आवाज़ ने हमें होशियार कर दिया। लगता है महाराज कि हम मंदिर के करीब आ गए। पांडे जी महाराज आसपास ही कहीं मौजूद हैं, हरी सिंह ने कहा। गोली की आवाज़ पर कह रहे हो? मैंने पूछा। जी महाराज, क्या जरूरी है कि वो पांडे जी ही हो? कोई और शिकारी भी तो हो सकता है। मैं मालूम करता हूँ, हरी सिंह ने कहा और वहां से चला गया। गोविंद मेरे पास खामोश बैठा हुआ था। हम दोनों अंधेरे में आंखें फाड़ते रहे। बादलों से कभी कभी कोई बूंद टपक जाती। कुछ देर के बाद हरी सिंह का हेवला नजर आया, फिर वो करीब आ गया। बिल्कुल ठीक फैसला निकला महाराज, थोड़े फासले के बाद गहराइयां हैं और इन गहराइयों में नीचे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जंगलों में हाका हो रहा है, शायद शेर को घेरा गया है। वो देखिए हाकी की आवाज़, हरी सिंह ने कहा और मैंने ढोल की आवाज़ सुनी। इसके साथ ही इंसान एक मखसूस धुन में चीख रहे थे। हाके के बारे में बचपन में मैंने सुना था। ढोल बजाकर और शोर मचाकर खौफजदा किया जाता है और फिर किसी मखसूस एंगल पर लाकर इस पर गोली चला दी जाती है। आगे चले महाराज, गोविंद की शिकारी हिस जाग गई थी। चलो, मैं तैयार हो गया। हमने घोड़ों की रस्सियां खोल दी जिन्हें दरख्तों से कस के बांधा गया था। छोड़कर उनकी जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा सकती थी, क्योंकि शेर इधर भी आ सकता था। खुले रहकर घोड़े अपनी जान बचाने के लिए जिद्दोजहद कर सकते थे। हम चल पड़े। हमने राइफलें संभाल रखी थी। दोनों शिकारी भी सेहतमंद शिकारी नहीं थे। हम सिर्फ शिकार करने नहीं आए थे, बल्कि एक खतरनाक जादुई मुहिम दरपेश थी। ये दोनों भी काली कुवतों से आरास्ता थे, जिसे मैंने महसूस कर लिया था। दोनों तरह की ताकतें इस्तेमाल हो रही थी। एक तरफ काली शक्ति और राजक्रोधनी की ताकत काम कर रही थी, तो दूसरी तरफ दो माहिर शिकारियों की महारत। हमने ढलान नहीं तय किए, बल्कि गोविंद की रहनुमाई में एक और रास्ता अख्तियार किया और इस तरफ पहुंच गए जहां से हाकी की आवाज आ रही थी। अचानक सन्नाटा छा गया, हाका रुक गया। हरी नाथ के हाथ के इशारे से हमें आगे बढ़ने से रोक दिया और प्रगोशी में बोला, शेर ज्यादा दूर नहीं है। उन लोगों के साथ मैंने भी राइफल संभाल ली थी और तारीकी में आंखें फाड़ रहा था। दफातन एक सरसराहट से सुनाई दी और मैंने थोड़े ही फासले पर एक शख्स को ऊंचे दरख्त से नीचे उतरते देखा। उसने एक हाथ में राइफल संभाली हुई थी और बहुत एहतियात से नीचे उतर रहा था। ये भी बड़ा सनसनीखेज मंजर था, लेकिन दूसरा खौफनाक मंजर जो मैंने देखा वो ये था कि इस शख्स से कोई 15 फीट पीछे एक खौफनाक शेर जमीन से चिपका इस शख्स पर छलांग लगाने की घात में था, और साफ जाहिर था कि इस शख्स को शेर की वहां मौजूदगी के बारे में मालूम नहीं था। मेरी खौफ की रवानी तेज हो गई। ये तो शिकारी के शिकार होने की तैयारी थी। मैंने राइफल संभाल ली और एक दिलचस्प शिकार के लिए तैयार हो गया। अचानक जंगल में शेर की दहाड़ से गूंज उठा। उसने अपनी मखसूस आवाज निकाल कर फिजा में छलांग लगाई थी और राइफल वाला आदमी सकुचित रह गया था। मेरी राइफल से गोली निकली। शेर उस वक्त फिजा में था, और बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ कि इस वक्त मैंने गोली होशोहवास में नहीं चलाई थी, बस किसी गैर मरई कुव्वत ने सारा अमल किया था और शेर गोली खाकर नीचे गिरा था।